हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, प्रेगनेंसी के पहले महीने से ही आपको ये लक्षण दिखने को मिलते हैं। अगर इनमें से एक या दो भी आपके प्रेगनेंसी के दौरान लक्षण दिख रहे हैं तो यह एक लड़का होने का बहुत ही सटीक लक्षण माना जाता है, क्योंकि जो शुरुआती के लक्षण होते हैं, जैसे ही आप प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं, कन्फर्म करते हैं, तो उस समय काफ़ी सारे जो सिम्टम्स है, लक्षण है, बहुत ही तेज़ी से दिखने लगते हैं एकदम जल्दीबाजी में, जो लक्षण बहुत ही सटीक होते हैं। क्योंकि उस समय हार्मोन्स जो होता है, एक मतलब कि अचानक से हार्मोन्स में उथल पुथल होता है, और जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करते हैं तो जो सिम्टम्स होते हैं बहुत ही अलग अलग दिखते हैं। तो आज मैं शुरुआती के सिम्टम्स बताऊँगी। यदि चलिए शुरू करते हैं, यदि एक भी सिम्टम्स मिले तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। सबसे पहला जो सिम्टम्स है मैं वो बताना चाहूँगी कि जैसे प्रेगनेंसी कंसीव किए तो यदि आप पूरी सिर दर्द की समस्या स्टार्ट हो गई है, मतलब कि प्रेगनेंसी कन्फर्म की और सिर दर्द आपको मतलब होने लगी है, तो हमारे बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि प्रेगनेंसी कंसीव करते ही महिलाओं को सिर में दर्द होने लगता है, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए क्या आपके साथ भी ये सिम्टम्स दिख रहे हैं। दूसरा सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव के शुरुआती महीने में ही बहुत ज़्यादा मॉर्निंग सिकनेस होता है, तो यह एक लड़की होने का संकेत माना जाता है। वही आपको मॉर्निंग सिकनेस बहुत कम होता है, एक या दो बार भी हुआ है, तो यह एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को शुरुआती के महीने में हाथ पैर की नसें चढ़ने लगती है, नस चढ़ने की समस्या बहुत तेज़ी से दिखती है, तो भी एक लड़का होने का संकेत माना जाता है। अगला सिम्टम्स ये है कि जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में जो नाखून है वो बहुत ही तेज़ी से बढ़ता है, नाखून में बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो गया है, तो भी एक लड़का होने का ही लक्षण माना जाता है। ये जो सारे सिम्टम्स हैं आपको प्रेगनेंसी के शुरुआती के महीने में ही दिखने को मिलते हैं। आई होप आज की वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कीजिएगा। और मेरा चैनल कोई भी जेंडर सिलेक्शन को बढ़ावा नहीं देता है, सिर्फ महिलाओं के उत्सुकता और जिज्ञासा को कम करने के लिए वीडियो बनाई जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलती हूँ अगले न्यू वीडियो में। हमेशा वीडियो को पॉजिटिव सोच में देखिएगा। नमस्कार।